इकोनॉमिक्स में हमने जो कल डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहता है उसके हमने फैक्टर्स किए थे। मार्शल के अकॉर्डिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है कि तीन पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है। मेथड्स किए थे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए, किस तरीके से मेजर किए जाते हैं, तीन मेथड भी किए थे हमने। ओके, अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, सप्लाई। ठीक है, सप्लाई है आपका चैप्टर, चैप्टर नंबर फिफ्थ है इसमें, चैप्टर फिफ्थ कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। ओके, डिमांड at a particular price.
देखें एक बार इसको अच्छे से, मैंने क्या लिखा है कि सप्लाई और स्टॉक के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, अब देखिए हम करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। ओके, ये आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया कि स्टॉक और सप्लाई के बीच में डिफरेंस क्या है। स्टॉक और सप्लाई को आप किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फैक्टर्स। अब हम करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, कौन कौन से फैक्टर है जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, सप्लाई को डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करते हैं। फर्स्ट तो यहां से देखिए क्या होगा।
देखिए मान लीजिए पहले आपके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो 500, तो आप 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, सॉरी 50 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, आपका पर यूनिट 10 आ रहा था। अब मान लीजिए ये प्राइस 6 हो गया और आप 50 यूनिट अगर प्रोड्यूस कर रहे थे, आप पर यूनिट कितना कॉस्ट कर रहे हैं, 7 पॉइंट समथिंग कर रहे हैं। दैट मीन्स क्या है कि अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, अगर आपका खर्चा इंक्रीज होगा तो आप क्या करेंगे, सप्लाई कम कर देंगे, और अगर
assumptions हैं वो। अब देखिए वो assumptions को